बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं मिजाह की दुनिया का बड़ा नाम नसीम विक्की, बबू राना और सोहाना सयाल। नाज़रीन, गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वालों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बग़ैर किसी तख़ीर के सीधा आपको लिए चलते हैं ये मसला एक मुख्तलिफ अंदाज में दिखाने के लिए। या मौला, हम फंस गया, हम बुरख के अंदर फंस गया। और तू तो फंस गए, मार सी जानी खाली मेरा सब मरेगा। पता करो समान तो नहीं फट गया, उतो इतनी बर्फ वाला पैया समान नहीं फटा, इस आदमी की वजह से कुछ हो रहा है। कोयला मिलेगा उधर भाई साहब, हमारा हाथ बहुत ठंडा हो गया है। तेरा प्यो होएगा त्रे साहब, असी फड़े नहीं सी जाना। आ जिहड़ा सरदार है ना, सरदार इन्हें गाने शुरू करते, उत्थे गाने की आवाज जा रही थी कितने नाल, उन्होंने सुन पई पैसा दिया। हमने इसको बोला कि हमको जोरब लेकर जाओ, हमने अपना सारा पैसा इसको दे दिया, इसके वसों का कपड़ा भी बना के दिया है, हमसे सारा पैसा ले लेता हूँ। उधर जोरब जाकर तुम्हारा शादी कराएगा, तुम्हारा 15 बसा होगा, इधर बर्फ में फंस गया। हम चाय नहीं पिएगा। ओ भाई, वो यूनानी जबान में आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कुछ ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हैं? ओ भाई साहब, वो हमारा अम्मा बैठा है, उसका पास जाओ। किंटवारी कैस्ट फुल द पॉकेट। आ ये है। चलो सिर खोले। ये है क्या? देखो झूठ नहीं बोल रहा सी। ये है क्या? हमारा लड़की को देखो, नासला जुकाम हो गया है, उसको थोड़ा कावा दो। ओ भाई, डाइजेस्ट वाला आदमी। अच्छा मसल, इसने गाली तो नहीं दिया? और उसके हाथ में गन है, गन वो चलनी नहीं, गोली ने भी अंदर ऐसे कीता होना, इतनी ठंड पड़ रही है। सब सब इधर नहीं होता, हम जैसा लोग तो क्या पकड़ता है तू? कमॉन है, फासे ले खास बंदूक के साथ ये मौसली पकड़ता है। ऐसा भाई, हम निकलेगा इधर से। आपने फसाया इधर से। अभी पहुंच गए या जनान पहुंच गए या आ बॉर्डर वेख पिछे दिनेश साहब, जी जाली लगी बॉर्डर ते, असी टप जानी सी। अच्छा, ये करंट करुंट कोई नहीं, ठंडी बड़ी है। इसके अंदर पाकिस्तान से बिजली आ रहा है, वो थोड़ा थोड़ा करके सोरता है, करंट आती नहीं है। मुझे लगता है बिजली है और बिजली भी फ्रीज हो गई होगी। दिनेश साहब, मेरे ठंड इस तो लगती है सरदारा का, खान साहब आ सरदारा का। एक मिनट रुकना जरा भाई साहब, मुरासी है वो पता नहीं की है, इस टाइम तो अकल बात बची पई, जिनी ठंड हो गई मुरासी है जी है। तुसी की समझ रहे हो, इन्हें सानू फड़े? ओ नहीं, ओ बेचारा आप राह भुल के साडे च रले आ जे। खासा बादा दा खाली मेरा खा रजब रख फैप। मैनू पता लग जे ना तू कहना की है, तो मैं तेरे को माफी मंगा। ओ तैयारी कर लो, तैयारी तैयारी कर लो, बोल तैयारी कर लो। इने को मार खान दी। आपको लख लानत है, ठंड लगदी, भंगड़ा पालवा थोड़ा या भाई। हमें नहीं लगता हम यहाँ से निकल सके यार। अच्छा बंगाली भाई, आप ये बताएं कि आपको इसके हाथों किसी ने बेचा है? हमको उधर से बेचा है, पहला हमने किसी और बंदे को पैसा दिया है। अच्छा, उसने इसको पैसा दिया है, इसने पैसा देकर हमको खरीद लिया है। ये साहब बोला एजेंट जरा ना बेईमान बंदा नहीं हैगा, अल्लाह की मेहरबानी ने जेड़ी गल की है पूरा उतरिया। अच्छा, 37 बंदे मैं लेके गया पिछली दफा, ते 37 दे विचो अल्लाह की रहमत ना 3 उथे पहुंच गए। 3 और बाकी? बाकी कितने बर्फ च खजल होते होने, मेनू हुण की पता। वो जो 3 फोन है ना उधर, वो भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मैं सिरे जंगल पानी करन गया, इधर पिछे जा आप, ओ पत्नी पहाड़ी के पिछे उथे एक लाश पई सी, मैं बैठा हूं, मेरे नाल देखी जावे। तुम लोगों को किसने कहा था अपनी बीवियों के घर वालों के जेवर बेच के इन फ्रॉडियों के हत्थे चढ़ जाओ? 2 मरबे जमीन बेची अपने बापू दी। मैं कहा जौरब देख रहा बापू, जौरब देख रहा। खैर फल ये स्वाद मैं आ रहा ना, इन्हें तो भी नेटवर्क चलता है, इन्हें बहुत खेमी लखे। ये रोटी मंगाने वाला कोई ना खाना, बाहर ले पकान दे ये। लिखना पो सीखना मो। भाई साहब हम बंगाली है, सीखना ये है। फिर स्नोफॉल शुरू हो गई, अब क्या करेंगे? बचपन से बापू को मार पैंती थी तो बर्फ पी जाती है। भाई साहब अपना डॉक्यूमेंट इसको दिखाओ ताकि हमारा जोन सोरे। लगन डई यार, ठहर जा एक बारी। अच्छा था मैं
ठंड लगन डी बंदा पुछे एदा हल भी वेखो है वाह हुण की करा बोर हो गए इन्हें अपनी गल कढ़ी मैं अपनी कढ़ लई तुम्हारे पास ये हम समझो सचमुच का डॉक्यूमेंट है मेरा है मुरासी है मुरासी है पता नहीं केड़ी गलती दी सजा मिलन दई है याद कर ला आप ही कट जाएगी व्हाट इन अ शो ढोलकी है ढोलकी नाचो गुजरे नाचो पूरे हो गए पैसे साहब जिंदगी मौत का की पता जाते जाते गाना सुन लो तेरिया रावा सोनिया तक के बह गईया सदके आजा दिल दे जानिया शमा पै गईया शमा पै गईया ओ तेरे दम दिया खैरां मंगा चुक चुक बावा ओ मेरा कोई भी नी दर्दी किनू दर्द सुनावा उसका पासपोर्ट उसका शनाख्ती कार्ड उसके अंदर पड़ा हुआ है सब फट जाएगा ये बात सुन जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में खबर आई है कल ढाई बजे धूप निकल आनी है चल जल्दी से सेल्फियां बना लेते हैं बर्फ में इतना गुनाहगार है इसको तस्वीर का पड़ा हुआ है हमारा जान निकल रहा है आउट करो हमको अपना मौसली याद नहीं आ रहा इसको अपना सेल्फी याद आ रहा है इधर बात सांदी नहीं सिग्नल भी नहीं आ गए थोड़ा थोड़ा बर्फ खाओ साहब कुछ लड़ गया पिछो नजर भी नहीं होना बर्फानी ठूआ लगता है पिछले फेरे जो बंदे दबे गए थी उन्होंने तो नहीं कुछ जाग पिया भाई साहब इधर आ जाओ अगली दफा ना जब कोई और आदमी आएगा ना फिर हमारा नाम लगेगा ठंड लग रही है भाई साहब जिस्म को गुरमा देने वाला कोई गौन आया हाँ है सुना दो गर्मी ये नसीम बंगाली को तो डांस का बहाना चाहिए
भाई साहब हमारा दिमाग भी खाली आया, पता नहीं मरना है कब बसना है। मरने से पहले हमारा जिंदगी जिस बंदे ने बर्बाद किया है इस एजेंट मोटे ने, हमारा अपराध जो है ना फरस जुगतों के जरिए इसको मुंह पे मारो। ठीक है, जो जो जुगत आता है फिक्का मीठा वो भाई हंसे ना हंसे तुमको करना है, आओ मेरे साथ। भाई साहब इसको जुगत करे और जुगत सिर्फ पंजाबी सोनी लगती है। भाई साहब उनको पंजाबी आता है धोने वाले कपड़े पे होंगे। लख रुपए गोला हों फिक्कियां लाउण दे असि लाउण अच्छियां डै बर्फ नहीं फिक्की लगना पई मरो आ जुगता होती हैं बजरी तो बंदर बने होता बंदर एडा छोटा होता नहीं एडी फिकी पुत्र ये ना ये हास आना ना उस भाई ने लगन देनी घा खाने वाला शेर होता। वो मेरी गल सुनो ना असि यूरोप जा सकना ना साड़िया जुगता हिट होनिया मारो फैर मारो